नमस्कार, वाराणसी न्यूज एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरगिना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, और आज हम वाराणसी में पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर। यहां पर आज पहुंचने का सबसे बड़ा मकसद है क्योंकि आज महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त काशी पहुँच रहे हैं और काशी में ही ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन माँ गौरी और शिव जी का मिलन हुआ था और आज के दिन भक्त जो है जगह जगह से शिव बारात की झांकियां निकालते हैं और आज के दिन शिव जी का जल अभिषेक बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि श्रद्धालु सबसे पहले गंगा जी पे स्नान करते हैं और वहां से गंगा जल को भरकर शिव जी पर जो है जल अभिषेक करते हैं। और आज के दिन जो भी, ये माना जाता है पौराणिक कथाओं में है कि जो भी शिव दर्शन करता है, जो भी मंदिर का दर्शन करेगा और उसकी जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, वो बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि वाराणसी प्रशासन ने क्या खूब इंतजाम किया है, जो भी भक्त मंदिर परिसर के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए सड़कों पर, चौराहों पर LED का इंतजाम किया गया है ताकि वो दर्शन जो है वो LED के माध्यम से भी कर सकते हैं। वहीं जगह जगह पर लंगर लगाए गए हैं, जलपान कराए जा रहे हैं। वहीं भक्त जो है सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए और उनके लिए जगह जगह चौराहे पर भंडारे का भी इंतजाम किया गया है, पानी की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है जगह जगह पर और आज ही के दिन ये माना जाता है कि माँ गौरी और भगवान शिव का जो है वो मिलन हुआ था। वाराणसी में ये त्यौहार बहुत ही पवित्र, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी जगहों में रात के टाइम बारातें भी निकाली जाती हैं, झांकियां निकाली जाती हैं। वहीं और भी जगह से इसकी तैयारी कई दिनों पहले से ही चल रही है। पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है आज के दिन और भक्त का जो ताता है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार दुबे। कहाँ से आए? बनारस से। बनारस से ही है जी। अच्छा, तो यहाँ पर आज महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमें हर साल मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी जगह से अलग होती है यहाँ की शिवरात्रि? भगवान भोले की नगरी है तो बाकी जगह से अलग लगेगा ही ना मैम। शिवरात्रि में क्या कुछ अलग होता है, क्या क्या किया जाता है? बाकायदे जो है भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है, श्रृंगार होता है और दिन भर में 2-3 बार आरती होती है, महाभोग प्रसाद लगता है, ये सब कार्यक्रम होता रहता है। कहाँ से आई है? AP से, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। कैसा लग रहा है UP और वाराणसी? अच्छा लग रहा। पहली बार आई है? नहीं, 13 times। अच्छा, आज ही का दिन क्यों चुना आपने? शिवरात्रि के अच्छा लगता ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, देखिए और भी है, काफी एक्साइटेड है भक्त। कहाँ से आ रहे हैं आप? पांडेपुर। पांडेपुर से। काफी भीड़ है और आज ही के दिन आप लोग बनारस में रहते हुए यहाँ आ रहे हैं? बिल्कुल, और क्या, बनारस में दर्शन लग गया तो क्या किया। आप लोग कहाँ से? बस पांडेपुर से ही। पूरा कॉलोनी है हमारी, पारी कॉलोनी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अंदर गेट पर, मैं गेट नंबर 4 पे खड़ी हूँ और यहाँ पर किस तरह से खचाखच भीड़ है, अंदर जाने की होड़ मची हुई है, सबको पहला नंबर आने की देरी लगी हुई है। और देखिए यहाँ पर भक्त सुबह से ही खड़े हुए हैं कि कितनी जल्दी वो अंदर जाए और भगवान के दर्शन करें, जल अभिषेक करें। गंगा द्वार से भी एंट्री हो रही है और लगभग हर चौराहा, हर गेट खचाखच इसी तरह से भक्तों के जमावड़े से भरा हुआ है। देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जगह जगह जो भक्त आ रहे हैं, भक्तों की सेवा भाव के लिए यहाँ पर भंडारे भी लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार गुप्ता। प्रहलाद जी, हर बार इस तरह का भंडारा? हर साल, आज धीरे धीरे 11-12 साल से चल रहा है भंडारा। लगभग सुबह से कितने भक्त आ गए? सवेरे से उसका कोई गिनती नहीं है। हाँ, किस तरह के आहार आप भक्तों को देते? सब फलहार आइटम है हमारे यहाँ, जो भी है सब फलहार है। अच्छा। हाँ, कोई मिक्सिंग नहीं है। मतलब पानी और खाने पीने की वस्तुएं यहाँ पर देते हैं? खाने पीने सिंघाड़ा काटे, पकौड़ी है, चाय है, बहुत सारी नमकीन है। क्या तो मतलब यहाँ पर लगातार अभी तो भीड़ खड़ी हुई है, अभी भी मतलब कब तक चलेगा ये भंडारा? ये शाम 5 बजे तक चलेगा, उसके बाद फिर ठंडाई का व्यवस्था हो जाएगा 7 बजे। रात को ठंडाई होगा और सुबह से? हाँ, सवेरे से चल रहा है भंडारा और शाम को फिर ठंडाई का ही व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे आज महाशिवरात्रि? हम क्या कहना चाहें, संतोष भैया तो वही पला दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भक्त पूरी तरीके से लाइनों में खड़े हुए हैं, जगह जगह जब थक जाते हैं तो भंडारा भी चलता है और भंडारे में ये जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि अभी प्रसाद खत्म हो गया है, रात को भंडारे में अभी चालू है, लगातार चल रहा है और भीड़ लगातार यहाँ पर खड़ी हुई दिख रही है। ऐसी भीड़ आपको जगह जगह दिखाई देगी।
रांची की जनता है जो लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लगी हुई है, धूप भी आ रही है, धूप भी झेल रही है। आप लोग कहाँ से आए? हम चंदौली से आए हैं। अच्छा, आज ही का दिन क्यों आपने डिसाइड किया यहाँ आने के लिए? आज बाबा विश्वनाथ का शिवरात्रि का दिन है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इसलिए आज का दिन बहुत शुभ होता है। एक बार जय घोष हो जाए। एक बार बोलिए महादेव की हर। कुछ भाई हैं, बात करना चाह रहे हैं, बताइए। आज शिवरात्रि उधर से आए ले। अच्छा, देखिए इस तरह की यात्राएं भी यहाँ पर आपको झांकियां देखने को मिल जाएंगी। जो शिव भक्त है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे बनारस हो या बाहर से तेलंगाना से भी लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? जुन्नर तालुका पुणे जिला से आ रहे हैं। जुन्नर से? जुन्नर। काशी में आज ही के दिन क्यों आने हैं? आज शिवरात्रि का महत्व है भगवान का। तो देखिए महत्व है शिवरात्रि का, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लाइन देखिए, भीड़ देखिए, मेरे पीछे डमरुओं की थाप देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर भक्त आते चले जा रहे हैं। जमावड़ा लगा हुआ है, दूर दराज से महिलाएं भी आ रही हैं। कहाँ से आ रही है? पूना। पूना से आ रही है। कितने लोग आए, कितने लोगों का संगठन आया है? एक डेढ़ हजार। डेढ़ हजार लोग का समूह जो है वो पूना से काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और नाचते गाते शिव की बारात में शामिल हो रहे हैं। आप पूरी झांकियां देखिए, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट पूना है, तहसील है जुन्नर और गांव है ओतूर। ये यहाँ से इतने नाचते गाते पूरी झांकियां लेकर लोग पैदल आए हैं ओतूर गांव से, जुन्नर तहसील पुणे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पैदल 70 दिन पैदल चल गए। पुणे जिला, पुणे जिला तालुका जुन्नर ओतूर। चैतन्य बाबा जी, चैतन्य महाराज के पालखी इधर आते हैं, इधर आते बाबा जी। चैतन्य महाराज 900 साल पहला पैदल आके इधर कीर्तन किया था, तो उसकी परंपरा जागरूक रखने के लिए 20 साल से तुकाराम महाराज जी साल आते हैं। और इसी तरह की न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।